मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव में प्रचार के लिए सचिन पायलट की मांग आलाकमान से की है। पायलट के नजदीकी सूत्रों ने इसकी पुष्टि भी की है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इधर प्रियंका गांधी भी उपचुनाव में प्रचार करती नजर आएंगी। बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी एमपी पहुंचेंगी। प्रियंका का फोकस ग्वालियर चंबल पर सबसे ज्यादा होगा। प्रियंका सड़क के रास्ते आगरा से धौलपुर होते हुए मुरैना पहुंचेंगी और अम्बा, दिमनी, महगांव, गोहद और ग्वालियर पूर्व में रोड शो करेंगी। ग्वालियर, डबरा, भांडेर विधानसभा में रोड शो और सभाओं में प्रियंका हिस्सा लेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन करेंगी और झांसी होते हुए दिल्ली जा सकती हैं। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सचिन पायलट या प्रियंका गांधी के प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उपचुनाव में कमल का फूल खिलेगा। सचिन पायलट से कोई फर्क नहीं पड़ा, खुद की हालत क्या हुई सचिन पायलट की वहां कांग्रेस में, और इसलिए कांग्रेस ने कांग्रेस के नेताओं का विश्वास खो दिया, जनप्रतिनिधियों का विश्वास खो दिया, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी विश्वास कांग्रेस पे नहीं रहा और जनता का तो है ही नहीं। अरे प्रियंका नहीं सब आ जाए, नेहरू जी भी आ जाए, जिंदे होके तो भी कुछ नहीं।